अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे आप जानते हैं कि बड़ी ईद आ चुकी है और माशाल्लाह लोग बहुत ही प्यारे प्यारे जानवर लेके आए हैं कुर्बानी के लिए। अल्लाह ताला इन सब की कुर्बानी कबूल फरमाए। आज हमारे पास आए थे बहुत ही ब्यूटीफुल कैमल, मैं आपको बता नहीं सकता, इनके ऊपर काम बहुत खूबसूरत हुआ हुआ था और आप इन्हें देख सकते हैं। गर्मी बहुत है, हमने पूरी कोशिश की है कि इन्हें बिल्कुल रिलैक्स माहौल मिले, इनको रेत और इनके कूलर वगैरह सारे इंतज़ाम किया हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं इन्हें। और मामू कहते हैं मैं भी व्लॉग में आऊँगा, मामू भी आ गए और स्माइल कर रहे हैं, मामू थोड़ा थोड़ा डर भी रहे हैं। इनका साइज़ बहुत ही माशाल्लाह प्यारा है और इन पे काम बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है, एक अट्रैक्टिव अपनी तरफ खींच रहे हैं जैसे लोगों को अपनी तरफ ना, बहुत ही खूबसूरत है जैसा कि आप देख सकते हैं इन्हें। और इनकी कीमत है 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख का ये जोड़ा है। और अब आपको आगे और भी दिखाते हैं, ये देखें, मैंने कहा स्लोमो में अपने व्यूवर्स को दिखाऊं कि कैसे खूबसूरती से इनके ऊपर काम किया गया है। और माशाल्लाह एक पता लग रहा है कि अल्लाह ताला का एक करिश्मा है, हम तो बस यही कह सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, हम बता नहीं सकते कि ये, मैं इनके पास खड़ा था तो मेरे से, मैं दूर दूर बस, मैंने कहा नहीं भाई ये तो हल्का सा पास आ गया ना तो मेरी तो जान निकल जानी है। तो आगे आपको वैडे भी दिखाते हैं, वैडे भी माशाल्लाह बहुत प्यारे आए हैं, 50 लाख की जोड़ी है वैडो की और माशाल्लाह देखने वाले वैडे हैं। और ये देखें आप, इन्हें बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, मैं तो खुद थोड़ी देर देखता रहा हूँ कि कैसे इन्होंने इतनी मेहनत की होगी इस पे, कि स्किन के ऊपर ये डिज़ाइन करना मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है इतना। तो ये देखें वैडा, ये बहुत ख़तरनाक वैडा था भाई, इसने तो मुझे डरा दिया, मैं इसके अपना क्लिप साथ लगाया, मैं एकदम इसे प्यार करने बैठा भाई, वो एकदम मारने के लिए खड़ा हो गया, मैं तो भागा, मैं कहा नहीं भाई इसे दूर दूर से, ये बहुत शरीफ है, वाइट वाला शरीफ है, ये ख़तरनाक है, ये बहुत गुस्से में रहता है ये भाई, ये तो हाथ पास नहीं आने देता। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और पता लग रहा है भाई वैडा खड़ा हुआ है, इधर से गुजरता है ना वो बच्चे डर के पास ही नहीं जाते, ये मासूम सा है, ये बहुत प्यारा है, ये मासूम सा ये बैठा रहता है, उसे जिधर खड़ा कर दो खड़ा रहता है और बिठाओ तो बैठ जाता है, ये बहुत नाइस है, मुझे तो बड़ा प्यारा लगता है यार, ये मुझे अच्छा लगा है। वो दूसरा जो है भाई ख़तरनाक बैठे ख़तरनाक जानवर ने मुझे पसंद, आप पता लगा फ्रेंड हमें कि हमारे कैमल के मुँह में चला गया है, इसमें कुछ खा लिया है, तो अब हमारे जो बंदे हैं इसे निकालने में मसरूफ़ है, तो अब समझ नहीं आ रही कैसे निकालें, वो बड़ा शोर कर रहा है, आपकी आवाज़ें बहुत चीज़ें, पूरा हमारा इलाका सा डूब आ गया है, तो बड़ी हम कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाए। अब हमने बुलाए तो हैं भाई जो कह रहे हैं कि मैं निकाल दूँगा, तो अब सारे बहुत ही दिलचस्माती नजरों से देख रहे हैं कि अंदर से क्या निकलता है, तो हमारा कैमरा तो भाई बहुत परेशान है और हम भी परेशान हैं कि अल्लाह ताला इसका निकाल दे जो भी है, ये खून तकलीफ में है, तो बस वो ऑलमोस्ट डन हो ही चुका है। तो मैं भाई डर गया था तो मैं अंदर चला गया, तो जिससे वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं वो डर गया था भाई, मैं अंदर चला गया। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह ईद तक आपको न्यू वीडियोज़ और न्यू वीडियो के व्लॉग्स मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सब कुर्बानी के लोगों का लुत्फ उठा सकें। शुक्रिया, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।